हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम शरद कौर, सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द 10th साइंस पार्ट 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। एक्चुअली वी हैव सीन इन दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द लास्ट वीडियो में हमने वो इस चैप्टर के जो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखे है, लाइक एज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी देखा है। सेकेंड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक बिलोंग्स टू 5 मार्क्स इन यूर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आने वाला ये जो टॉपिक है 100% आ सकता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द असेक्सुअल पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बिकॉज वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एंड पॉड्स, दे टेक पार्ट इन दिस प्रोपोगेशन और इन दिस रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड जैसे जो प्लांट के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, वो पार्टिसिपेट होते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर इज द बेसिक यूनिट, फ्लावर इज द मेजर ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक यूनिट है, जो मेजर ऑर्गन है, वो कौन सा है, फ्लावर है। Therefore, you have a question for single mass or MCQ. Diatash is the basic unit of plant in sexual reproduction. Sexual reproduction में plants का कौन सा important और basic unit है? तो answer आएगा उसका flower. देखो, sexual reproduction means the reproduction in which there is the involvement of 2 gametes with different sexes. 2 gametes का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट दैट 2 gametes हैविंग डिफरेंट सेक्सेस। दोनों gametes अपोजिट सेक्सेस के होते हैं और दोनों में क्या होता है, यूनियन होता है और आफ्टर यूनियन दे फॉर्म द जाइगोट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप दैट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड स्टेप दैट इज फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप में गैमेट फॉर्म होते हैं, मीन मेल गैमेट, फीमेल गैमेट जो के वो फॉर्म होते हैं एंड सेकंड स्टेप जो है 2 गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, यूनियन होता है एंड फॉर्म द जाइगोट। नाउ लेट्स सी द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ना ये सेकेंड पार्ट है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पार्ट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पैरेंट सेल्स हैविंग डिफरेंट सेक्सेस। सेकेंड, द रेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी स्लो। थर्ड, whatever the daughter cell form through this reproduction, it is different from the parents. इसमें जो daughter cell form होता है वो parent cell से क्या होता है, different होता है। Sexual reproduction takes place in plants by 2 steps. ये sexual reproduction plants में नहीं, organism में sexual reproduction 2 steps में क्या होता है, follow होता है। First step that is gamete formation. And second step that is fertilization. Gamete formation and fertilization, there are 2 steps. It is the involvement of 2 steps in sexual reproduction. Sexual reproduction में दो और sexual reproduction 2 steps में carry होता है। पहला step जो है वो गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इन बाय एग्जैक्ट गैमेट फॉर्मेशन एग्जैक्ट क्या होता है? व्हाट एवर द सेल्स पार्टिसिपेट इन दिस रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इनिशियली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस बाय मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस जो सेल डिवीजन प्रोसेस है, विद थ्रू दिस और विद द हेल्प ऑफ दैट मियोसिस
सेल डिवीजन प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस इन दैट पर्टिकुलर सेल्स. वो सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो है, वो क्या होता है रिड्यूस होते हैं एंड बिकम द हैप्लॉइड सेल्स. क्या होता है हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होता है. मीन्स यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होगा बट मेल गैमेट ऑल्सो हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो हैप्लॉइड. मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ. Then second step that is fertilization. Whatever the haploid cells, there is male gamete and female gamete, both are haploid cells. That haploid cells combine to each other. There is a union of these haploid male cells and haploid female cells. They combine to each other and form the zygote. That process is called as fertilization. इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी बाय टू स्टेप्स. देखो नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर और प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर और यू हैव क्वेश्चन फॉर 5 marks. एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विथ फिगर और राइट इन डिटेल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स विथ फिगर. दोनों क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक ही होना चाहिए. फ्लावर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिगर के साथ क्या करो राइट करो एक्सप्लेन करो. देखो फ्लावर, ये जो फ्लावर है नाउ देर आर 2 or 3 types ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स के भी 2-3 types है. फर्स्ट वन दैट इज बायसेक्सुअल फ्लावर. वी नो इन फ्लावर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. इफ द फ्लावर इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में एक ही फूल में दोनों गैमेट प्रेजेंट हो गए दैट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, हिबिस्कस में वो बायसेक्सुअल फ्लावर. बायसेक्सुअल मीन्स बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट इन दैट फ्लावर. सेकेंड दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स दैट फ्लावर आइदर हैव मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. दोज फ्लावर हैव ओनली मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज मेल फ्लावर एंड दोज गैमेट कंटेन दोज फ्लावर कंटेन द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल पपाया, पपाया इज द फीमेल फ्लावर, इट कंटेन द फीमेल गैमेट. नाउ हाउ डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसा होता है. इफ यू सॉ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इफ यू सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा. देखो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फ्लावर. नाउ दिस मिडल पार्ट कंटेन्स इन दिस वे दीज आर द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर्स के पेटल्स होते दीज आर द sepals of the flower. These sepals are mostly greenish in color. ये sepals होते हैं वो greenish color के होते हैं. And whatever the flower bear on the structure, that structure is called as pedicle. ये जो ये pedicle होता है, pedicle क्या करता है, flower को support करने का काम करता है. This is the pedicle. ये pedicle होता है and this pedicle support the flower. फ्लावर को सपोर्ट करता है, बियर द फ्लावर, फ्लावर को कैच करता है, दैट्स व्हाई एंड दिस पेडिकल अटैच टू ब्रांच. और ये पेडिकल ब्रांच को क्या होता है, अटैच होता है. दीज आर द दिस ब्लैकिश पार्ट इज जस्ट आई हैव रिटन ड्रॉन हियर. मी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा ब्लैक में ड्रॉन किया है. दीज आर द सेपल्स. सेपल्स आर मोस्टली ग्रीनिश इन कलर. ये जो है ये सेपल्स ग्रीनिश कलर के होते हैं. सेपल्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्स. कैलेक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपल्स. दीज आर ग्रीनिश इन कलर. आफ्टर सेपल द सेकंड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज करोला. दीज आर द करोलास और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेटल्स. और इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स भी कहा जाता है. दीज आर द करोला और पेटल्स. करोला COROLLA और ऑल्सो वट इज द अनदर नेम फॉर करोला दैट इज पेटल्स. करोला और पेटल्स आर डिफरेंट इन कलर्स. ये डिफरेंट कलर्स के रहते हैं. दिस सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर करोला और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर.
देन थर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड एंड्रोसियम. दीज आर द बायल ऑफ स्ट्रक्चर. नंबर ऑफ एंड्रोसियम्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. ये जो बायल ऑफ स्ट्रक्चर होता है ये एंड्रोसियम का होता है. नंबर ऑफ एंड्रोसियम्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ एंड्रोसियम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड्रोसियम इज द मिल्क पार्ट ऑफ फ्लावर, वो हाइट में छोटे होते हैं. एंड लार्ज एट द इनर पार्ट और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम. ये जो है और वो एंड्रोसियम से क्या होता है, बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड गाइनोसियम. एंड इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर गाइनोसियम. गाइनोसियम ये फीमेल पार्ट है, ये जो छोटा वाला है दैट इज एंड्रोसियम. दीज आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. एंड ये पेडिकल है, पेडिकल विच सपोर्ट्स द फ्लावर इन दिस वे. नाउ लुक हियर, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. एंड्रोसियम बिलोंग्स टू मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, गाइनोसियम बिलोंग्स टू फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. दिस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. देयरफॉर दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल वर्ड्स. विच आर द एसेंशियल वर्ड्स ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर के एसेंशियल वर्ड्स कौन से, एसेंशियल पार्ट्स कौन से, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. बिकॉज दिस पार्ट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, देयरफॉर दीज आर एसेंशियल वर्ड्स. करोला, कैलेक्स, पेडिकल आर द एक्सेसरी वर्ड्स. एक्सेसरी वर्ड्स मीन्स ओ फ्लावर के हेल्पिंग वर्ब्स है. मीन दे आर डू नॉट, दीज पार्ट्स आर डू नॉट टेक पार्ट इन द, दीज पार्ट्स आर नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. देयरफॉर दे आर एक्सेसरी वर्ड्स. एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर एसेंशियल वर्ड्स. नाउ देखो अभी नेक्स्ट, यहां पे सिंगल एंड्रोसियम है. इफ आई ड्रॉ, सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर, इफ आई ड्रॉ योर एंड्रोसियम इन लार्जर फॉर्म, ये एंड्रोसियम है, ये लार्जर फॉर्म में ड्रॉ करता हूं. देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम. इट इज अ बायल ऑफ स्ट्रक्चर. यहां पे मैं राइट करता हूं एंड्रोसियम. द अपर पार्ट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड एज एंथर. देखो एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एंड्रोसियम जो है मेल गैमेट फ्लावर का, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. दो पार्ट से बना होता है. फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट. देखो व्हाट इज द फिलामेंट. फिलामेंट ओनली सपोर्ट द एंथर. फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है. बट व्हाट इज मीन बाय एंथर और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंथर, एंथर क्या होता है, एंथर एंथर का फंक्शन क्या है. एंथर इज द अपर पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, विच इज बायलोफ स्ट्रक्चर. बायलोफ स्ट्रक्चर होता है, टू पार्ट्स होते हैं उनके. एंड दिस एंथर कंटेन द पोलन ग्रेन. देखो ए एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है. दैट पोलन ग्रेन आर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. ए पोलन ग्रेन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस है. एंड दैट पोलन ग्रेन इन द एंथर कंटेन इन एंथर. एंड एंथर इज द अपर पार्ट ऑफ एंड्रोसियम. एंड दिस फिलामेंट ओनली सपोर्ट्स द एंथर. सॉरी ए फिलामेंट खाली एंथर को क्या करता है, सपोर्ट करता है. इफ वी सॉ द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज गाइनोसियम. सेकेंड पार्ट देखा गाइनोसियम, ये देखो ये इनलार्ज करके यहां पे ऐसा आएगा. दिस इज द स्वेलिश बल्गिश पार्ट ऑफ द गाइनोसियम. द टॉप बेसिक पार्ट और द एंडिंग पार्ट ऑफ गाइनोसियम, दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट. गाइनोसियम का वो ऊपर का जो पार्ट है, टॉप मोस्ट जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा. और एंड सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टाइल. ये जो इलॉन्गेटेड ट्यूब जैसा रहता है वो स्टाइल. एंड लास्ट वन दैट इज ओवरी. मीन्स गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स.
The basic part of gynoecium, it is bulbous structure is called as ori. This ori secret, this ori contain the egg cell. Yeah, ori में क्या होता है? Egg cell. And egg cell is are the female reproductive part of flower. Female का जो reproductive part है, वो flower reproductive part egg cell है और कहाँ पे रहता है? Ori में रहता है. And ori is the bulbous or ending or basic part of gynoecium. Second. The topmost part of gynoecium is called stigma, which secretes the sticky substance. ये stigma क्या करता है? Sticky substance secrete करता है. And the elongated or tube-like part, which extend from stigma to ori, is called as style. In this way, this is the structure of androecium and gynoecium. Now, how does the fertilization take place? अभी fertilization कैसा होता है देखो. What exact happen? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्ट क्या होता है देखो वी नो विच पार्ट इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन दैट इज पोलन ग्रेन कहाँ पे होता है एंथर पे होते हैं वेन दिस एंथर ब्रेक्स डाउन देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ देखो दिस स्ट्रक्चर इट इज द स्टिग्मा ये स्टिग्मा है वी यू नो इट्स टाइल एंड बेसिक पार्ट यहाँ पे जो बेसिक पार्ट है इट इज द ओरी दिस ओरी हैज अ एक सेल ये ओरी में क्या होता है एक सेल होता है नाउ How does the reproduction takes place or fertilization takes place in plant? Plant में fertilization कैसे होता है देखो pollen grain is the male reproductive part of flower, egg cell is the female reproductive part of the flower. Pollen grain contains in anther. This anther is bilobed structure. Due to some factors, this anther breaks down. Some factors की वजह से anther क्या होता है breakdown होता है There are two factors, biotic factors and abiotic factors. Biotic factors like as honeybee, birds, butterflies are the biotic factors. Through, because of them, anther breaks down and abiotic factor like as wind or rain. Rain or wind जो है, वो abiotic factors है. Because of these factors, anther breaks down and number of pollen grain releases. यहाँ से number of pollen grain releases from anther. Anther से पोलन ग्रेन क्या होते हैं रिलीज होते हैं देखो अभी ये पोलन ग्रेन रिलीज हुए दिस पोलन ग्रेन स्टिक टू द स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और कहां पे स्टिक होते हैं स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं दैट इज व्हाई स्टिक इट स्टिक्स ऑन द स्टिग्मा बिकॉज स्टिग्मा सीक्रेट द स्टिकी सब्सटेंस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन Pollination. You have a question. What is meant by pollination? Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther से pollen grains transfer होना और they stick on the stigma. This process is called as pollination. But there are two types of pollination. Pollination दो types के. First one that is self pollination and second that is cross pollination. देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अभी देखो ट्रांसफर ऑफ स्टिग्मा सॉरी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन अभी ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन एंथर ब्रेकडाउन हुआ पोलन ग्रेन रिलीज हुए दैट पोलन ग्रेन स्टिक्स एट द स्टिग्मा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन स्टिक्स हियर बहुत पोलन ग्रेन क्या होते हैं ये स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं बट फर्स्ट पोलन ग्रेन यहाँ पे फर्स्ट पोलन ग्रेन रिलीज होता है कहां से स्टिग्मा से एंड इट गोज थ्रू द स्टाइल ये स्टाइल थ्रू क्या होता है नीचे जाता है एंड रीचेस एंड फ्यूज विद द एग सेल ये जो ओरी में जो एग सेल है एग सेल से फ्यूज होता है मीन्स फर्स्ट पोलन ग्रेन प्लस
एक सेल फॉर्म दी जाइगोट, दोनों से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। देखो एक पोलन ग्रेन यहां से यहां पे स्टिक हुए, फर्स्ट पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द स्टिग्मा, स्टिग्मा से रिलीज हुआ एंड इट रीचेस एट द ओरी एंड फ्यूज विथ एग सेल, या ओरी से ओरी में रीच होता है और ओरी में जो एग सेल है, एग सेल से क्या होता है, फ्यूज होता है, यूनाइट होता है, इट फॉर्म द जाइगोट। नाउ आफ्टर फर्स्ट पोलन ग्रेन रिलीज देन सेकेंड पोलन ग्रेन ऑल्सो रिलीज। अभी फर्स्ट पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, एक सेल से फ्यूज हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, देन सेकेंड पोलन ग्रेन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द स्टिग्मा एंड इट स्टिक टू टू पोलर न्यूक्लिया। सेकेंड पोलन ग्रेन जो होता है वो प्लस टू न्यूक्लिया, पोलर न्यूक्लिया और टू न्यूक्लिया जो है उससे क्या होता है, वो फ्यूज होता है एंड इट फॉर्म द जाइगोट, सॉरी एंडोस्पर्म। देखो फर्स्ट पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू स्टाइल एंड रीचेस एट द ओरी टू फॉर्म एंड फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। सेकेंड पोलन ग्रेन अगेन रिलीज फ्रॉम द स्टिग्मा गोज थ्रू स्टाइल एंड रीचेस एट द ओरी एंड फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म। मीन्स देयर टू पोलन ग्रेन रिलीजेस फ्रॉम द स्टिग्मा। The path through which pollen grain passes from stigma to ori, that is called as pollen tube. This is called pollen tube. The path through which pollen grain releases from stigma and reaches to ori, that is called as pollen tube. When two pollen grain releases from stigma, after two pollen grains, this पोलन ट्यूब कट्स, और ये पोलन ट्यूब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टिक हो जाता है, कट हो जाता है। मीन्स टू पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देयरफॉर फ्लावर में और प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट पोलन ग्रेन एक सेल से फ्यूज होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, सेकेंड पोलन ग्रेन टू पोलर न्यूक्लियस से फॉर्म फ्यूज होता है एंड एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। अभी देखो जाइगोट एंड एंडोस्पर्म फॉर्म हुए, आगे क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू ओवल एंड दिस एंडोस्पर्म, ये जाइगोट अगेन ग्रो होता है अलॉन्ग विद जाइगोट, एंडोस्पर्म इज ऑल्सो ग्रो। जाइगोट जैसे ग्रो होता है, जाइगोट के बाद एंडोस्पर्म भी ग्रो होता है। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू जाइगोट, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोटेक्ट द जाइगोट। When for after fully development, when full development of zygote, this zygote convert into ovul. जब zygote full develop होता है तो ovul में convert होता है and endosperm into ori, means this like structure. Again, ये structure ऐसा structure फिर आपको मिलेगा। After ovul develop into ovul क्या होता है? Develop into seed. आगे क्या होता है? देखो ovul का सीड में डेवलपमेंट होता है एंड ओरी डेवलप इनटू फ्रूट। अगेन टू टाइप्स ऑफ पोलर पॉलिनेशन है, सेल पॉलिनेशन मींस द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस ऑन द सेम फ्लावर और टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। देखो और जो पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में और उसी प्लांट के दो फ्लावर्स में होता है, दैट इज कॉल्ड सेल पॉलिनेशन। एंड द पॉलिनेशन विच टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स विद सेम स्पेसीज, प्लांट डिफरेंट हो गए स्पेसीज में सेम होना चाहिए, दो प्लांट्स में हैविंग सेम स्पेसीज, जो टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है, बट दैट प्लांट्स में भी हैविंग इन द सेम स्पेसीज, वो सेम स्पेसीज में होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट टू हो गया तो भी चलेगा, मगर प्लांट्स का जो स्पेसीज है वो सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। वी हैव अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, व्हाट इज बाय पॉलिनेशन एंड राइट द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स, ये देखो ये जाइगोट आगे का ट्रांसफर इनटू ओवल एंड
endosperm transfer into ori, ovule converted develop into seed and ori develop into fruit. Then again you, if you germinate this seed, अभी आपने फिर ये सीड क्या किया, जर्मिनेट किया. आफ्टर जर्मिनेशन इस सॉइल में जर्मिनेट किया तो एक पार्ट ऊपर आएगा और एक पार्ट क्या होगा, नीचे जाएगा. दोज पार्ट आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ सीड, सीड और सॉइल में ब्रेक डाउन होगा, आफ्टर ब्रेक डाउन स्पिल्ट दिस सीड स्पिल्ट इनटू सॉइल. वन पार्ट गोज अपवर्ड एंड सेकेंड पार्ट गोज डाउनवर्ड. दोज पार्ट goes in upward direction, that is called as plumule, and those part goes in downward direction, that is called as radical. ये plumule होता है ऊपर ऊपर वाला और नीचे जो जाता है soil के अंदर जाता है, that is called radical. This plumule develops into stem and radical develops into root. In this way we get again new plant, that is the sexual reproduction in plant. Very important topic. फिगर विथ फिगर एक्सप्लेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने का. इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट, लाइक इट, मेक कमेंट्स ऑन इट, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स वाई यू विल गेट नोटिफिकेशन इमीडिएटली. थैंक यू.